देखिए माई ब्यूटीफुल वाइफ संगीता जी, अब आपसे बात करेंगे। जब से ये बिजनेस में आई तब से मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा, नहीं तो उसके पहले बिजनेस बस बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा था, और जब ये आई तो बिल्कुल रफ्तार पकड़ लिया। तो सुनिए अब आप संगीता जी। थैंक यू, नमस्कार, इलाहाबाद। नमस्कार, प्रयागराज। नमस्कार प्रयागराज। नमस्कार। जो आदत में आ जाती है वो जल्दी छूटती नहीं है, तो ऐसे ही होता है कि जैसे जो आदत हम लोग रहता है कंफर्ट जोन में चले जाते हैं वो जल्दी छूटती नहीं है। बहुत आदत को अपने सुधारना पड़ता है, तब जाके हम लोग सुधरते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो भी प्लान दिखाया गया, बताया गया, जबरदस्त प्लान है, और उसके लिए हम एक बार आप लोगों से अच्छी तालियां चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग थोड़ा नर्वस भी हैं कि अपने मेंटर के सामने हम लोगों को खड़े होकर पहली बार यहाँ पर प्लान करना पड़ रहा है। तो कल से थोड़ा हम लोगों को मतलब अंदर से थोड़ा घबराहट भी हो रही थी कि कैसे कर पाएंगे, और यहाँ पर सामने जो लीडर्स बैठे हुए हैं उन लोगों से ही सीख के हम लोग बड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा नर्वस तो होता ही है कि मतलब इन लोगों के सामने हम लोग कैसे बात करेंगे। और आप लोगों को हम बताएं कि जो यहाँ पे खुशहाली का पैकेज पूरा दिखाया गया, हम लोगों के बचपन से सिखाया जो जाता था खुश रहने का, लेकिन ये बताया पैसे होते हैं तभी लोग खुश होते हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो एक इंजीनियर से हुई, और मेरी शादी होने के बाद मुझे मतलब बहुत खुशी हुई कि मैं एक इंजीनियर की वाइफ हूँ, और किसी चीज की कमी नहीं थी, पैसे की तो बिल्कुल भी कमी नहीं थी, और हम जो चाहते थे वो करते थे। सिर्फ कमी इतनी थी कि समय नहीं, बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे। और इसके बाद ऐसे से धीरे धीरे बच्चे थे, और बच्चे भी हुए, हम भी हुए, तो धीरे धीरे लाइफ इतना मतलब बिजी शेड्यूल हो गया, उसमें पता ही नहीं चल पाता था कब समय बीत जा रहा है। और ऐसे धीरे धीरे करते करते जैसे हम लोग करते गए, और फिर बीच में क्या हुआ कि मेरी जो तबीयत है वो धीरे धीरे खराब होती गई, और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। तो जानते ही हैं कि लेडीजों की, खासकर लेडीजों से बात करेंगे कि लेडीजों की घर में जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप लोग समझ सकते हैं कि लेडीजों क्या हालत घर की होती है, पूरा घर बिखरा पड़ जाता है। और मेरी पोजीशन ये थी कि मैं मतलब एक मुझे पहले गैस की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मैं दवा अंग्रेजी दवा जब लेने लगी उसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। मुझे मतलब ब्लड प्रेशर, थायराइड और शुगर और आर्थराइटिस, बहुत सारी दिक्कतें हो गई, और दवा लेते लेते क्या हो गया, मेरा चलना फिरना बंद हो गया। अब लेडीजें बता सकती है ना कि घर में लेडीजों के साथ अब छोटे बच्चे हो, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अगर लेडीज बीमार हो जाते हैं तो घर की क्या परिस्थिति हो सकती है। मतलब यहाँ तक कि घर में बच्चों को टिफिन देने वाला कोई नहीं है, और हम लोग अगर बाहर हैं तो कोई इतना सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। तो वो पोजिशन हमारे घर की क्या है कि मतलब हम सुबह 6 बजे उठते थे, सहारा और पीटीआई हस्बैंड वाइफ मेरे बच्चे स्कूल को स्कूल भेज के उसके बाद हम लोग निकल जाते थे, और शाम को हम लोग 6 बजे 7 बजे हॉस्पिटल से आते थे। अक्सर ऐसे हफ्तों हफ्तों जांच चलता था, बहुत सारी दिक्कतें थी, और मतलब यह हो गया था मेरी पूरी कॉलोनी में कि भाभी कितने दिन तक जिंदा रहती हैं, मतलब ये पोजिशन मेरी थी। और उसी समय में मेरे मतलब सर ने आए और उन्होंने मतलब सुना कि ऐसी बात है, तो उन्होंने जब ये प्लान दिखाया हमें और प्रोडक्ट के बारे में बताया तो न्यूट लाइट ही हमें समझ में आई, और न्यूट लाइट में भी वो भी मतलब सिर्फ आपको समझ में आई, मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं इतनी दवा ले रही थी, मैं और दवा खाना नहीं चाहती थी, मुझे लगता था कौन सी दवा मैं लूँ कि मैं सुबह उठ पाऊँ कि ना उठ पाऊँ। तो इसलिए मैं दवा पर मुझे मतलब पूरा भरोसा मेरा उठ गया था, मुझे दवा नहीं खाना है। फिर इन्होंने कहा, बहुत समझाया कि ये फूड सप्लीमेंट है, तो जो खाना खाती हो, जो तुम्हारे शरीर में कमी है, अंग्रेजी दवा खाने से तुम्हें मतलब नुकसान हो रहा है, वो तुम्हारी बॉडी को सपोर्ट करेगा। मैं धीरे धीरे लेने लगी, और उसको लेते लेते मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ। मैं जब उसको लेती थी पहले सर पे लगाती थी कि हे माँ, अगर ये मतलब मेरे लिए कम से कम अमृत हो जाए, क्योंकि मेरा जीवन बहुत ज़्यादा मतलब एकदम पूरा समझी मेरे घर में पूरा डगमगा थी कि क्या हो, तो इस तरह से चल रहा था। तो मुश्किल से 1.5 महीने लेने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे काफ़ी रिलीफ लगने लगा, और फिर ये मैं 6 महीने तक लगातार जितना करते रहे, जैसे पीसी सर से बात किया गया कि मतलब हम क्या लें, तो उन्होंने बताया कि आप ये डोज बढ़ा के सप्लीमेंट आप इतने दिन से ले रहे हैं तो डोज आप बढ़ा दीजिए, फिर हम वो लेना चाहेंगे। हम खुद बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि 1 साल के बाद
मेरा मतलब सारा रिपोर्ट नॉर्मल आने लगा और दो सिर्फ पैर में प्रॉब्लम रही और साल मतलब 3 साल पूरे होते होते न्यू फ्लैट का मैं पूरी तरह से कोच करती रही और मेरी सारी अंग्रेजी दवा बंद हो गई। जो मैं बेड से अगर उठ के नीचे कदम नहीं कर मेरे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मुझे बेड से उतारते थे, मैं पैर पैर से घसीट के चलती थी, ये मेरी पोजिशन थी। तो आज मैं आपके सामने हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि जीने पे इनको चढ़ना मना है, इनके दोनों घुटने चेंज किए जाएंगे और सिरिंज से पानी निकालते थे मेरे घुटनों से, ये मेरी पोजीशन थी। आज मैं 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला में जीने से चढ़ती हूँ। लोग बिलीव नहीं करते हैं लेकिन जो देखते हैं वो करते हैं। मेरी कारकुनी से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए हैं। मेरे डाउनलाइन आसपास भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी मुझे देख के ही आए हैं कि भाभी को बहुत सारे मतलब फायदे हुए हैं और ये न्यू फ्लाइट का इस न्यू फ्लाइट में ये दम है। दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी काम आप विश्वास से करिए और बिलीव इसको लीजिए, ये नहीं है कि उसको मतलब लीजिए तो उसको सर पे लगा के मतलब उसकी पूजा करके आप खाइए। तो देखिए जो आपको प्रभाव ये देगा न्यू फ्लाइट और जो जीवन देगा वो मतलब कहीं नहीं मिल सकता है। फिर हमने अपने सर को बुलाया और हम लोगों ने प्लान किया नहीं हमको करना है। फिर हम लोगों ने सबसे बड़ा तो एक सेशन निकलवाया क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस मतलब दुख से आगे गुजर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ। तो हमें अब अच्छा लगता है लोगों को बताना, लोगों को हेल्प करना। कितने लोग डॉक्टर के चक्कर में फंस के बहुत सारी बीमारियां पाल लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को मतलब हुआ। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर जो कोई डॉक्टर अगर बैठा हुआ है लेकिन वास्तव में होता है। दो डॉक्टर बैठे हैं ना। हम लोग वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो ये मतलब आईडिया समझ में आया और खासकर ये प्रोडक्ट समझ में आया। और हम लोग वास्तव में ऐसी चीजों की चर्चा करते आ रहे थे जो निगेटिव था, जो घर हम लोगों को मतलब कि हमेशा केमिकल से भरा हुआ चीजें था, हम लोगों को ये मतलब वो नुकसानदायक था, कोई भी फायदा नहीं था। और अब हम लोगों को खुशी से चर्चा करते हैं, जो मतलब चर्चा भी करते हैं तो खुश होकर करते हैं, खर्चा जो पहले करने आए थे वही करते हैं और सीखना है तो हमने अपने हैबिट को चेंज कर दिया। जो पेपर हम पढ़ते थे वही हम बुक पढ़ने लगे, जो हम टीवी देखते थे वो हम सीडी सुनने लगे। ऐसे करके हम लोग जैसे जो चर्चा करते थे अपने प्रोडक्ट की करने लगे, भाई दूसरे की पढ़ने करने लगे। तो यही सब करते करते हम लोग बिजनेस भी आ गए। और सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है कि हम स्वस्थ होकर आप लोगों के सामने हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि ना प्रोडक्ट महंगा है या मार्केट में दोस्तों महंगा लगता है, लेकिन आप यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना सस्ता है। पर्सनल केयर है, ब्यूटी का है और कृषि का भी है, कुकवेयर भी है, अब तो एयर फ्रायर भी आ गया, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो हम लोगों का बिजनेस करने का भी स्कोप बहुत है और हम लोग बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते हैं जब आर्टिस्ट्री लगाते हैं। तो ये जो कि मतलब आगे होता है ना कि लोग जो लगाती है हम लोग कहाँ पाएंगे, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं। और अगर सीखते हैं तो जैसे हम बहुत सिंपल सी हाउस वाइफ हैं, बहुत सिंपल सी हाउस वाइफ, हम दो लोगों के बीच हमारे घर में कोई आकर मैं चाय बना कर रखा था, मैं वहाँ बैठती नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत सरल लगती थी कि क्या होता है उनके सामने जो मुझे मैं जिसको पहचानती नहीं हूँ। लेकिन आज गुड बट राइट की वजह से मैं